Hi everyone, welcome to Planet of English. Well, my name is Adhan Sharma and students, we are here with an amazing session जिसमें हम लोग spotting the error करेंगे लेकिन focus रहेगा voice पे यानी कि active और passive voice पे ठीक है तो शुरुआत करने से पहले for those of you who are new to my class, आप मुझे slide में जान सकते हैं Well, my name is Adhan Sharma and these are my credentials over here. दिस इज माई रेफरल कोड सिद्धांत लाइव इसको यूज करते हुए आप लोग जो है दस परसेंट का डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं एंड दिस इज माई प्रोफाइल लिंक यू कैन डायरेक्टली फॉलो मी ओके तो स्टूडेंट्स अन्य प्लस पे आप लोगों को बहुत ही अमेजिंग फीचर्स मिलते हैं जैसे आपको देश भर के टॉप एजुकेटर्स पढ़ाएंगे एक ही प्लेटफॉर्म पे सब लोग जो है आपको लाइव पढ़ाएंगे और आपका एक्सेस अनलिमिटेड रहेगा राइट एग्जॉस्टिव सिलेबस कवरेज रेगुलर डाउट क्लियरिंग लाइव टेस्ट सीरीज स्टडी एंड एवरीथिंग दैट इज रिक्वायर्ड फॉर अ टॉप लोस्ट प्रिपरेशन आप लोगों को जो है प्रोवाइड किया जाएगा तो स्टूडेंट्स अनअकेडमी डिफेंस की वर्कशॉप रहेगी कि आप सी डी एस एनडीएसार कोई भी एग्जाम टारगेट कर रहे हैं तो उन्नीस जून को ग्यारह बजे से लेकर चार बजे तक पुणे महाराष्ट्र में हमारी वर्कशॉप हो रही है राइट यू ऑल कैन अस फॉर द सेम ओके तो इसके लिए आपको uh, इसके लिए आपको इनवाइट इनवाइट लिंक भरना पड़ेगा राइट right? तो मैं वो मैं वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा एंड नेक्स्ट नेक्स्ट चीज है जो हमारे ब्रांडेड नोट्स ठीक अन अकेडमी ने ब्रांडेड नोट्स देना शुरू किया है राइट right? जो कि क्यूरेटेड बाय एक्सपर्ट्स है रिव्यूड बाय टॉप एजुकेटर्स है और कभी भी कहीं भी आप उनको एक्सेस कर सकते हैं राइट right? तो स्टूडेंट्स जो भी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेता है छह महीना बारह महीना या चौबीस महीने का राइट उनको दो स्टेप्स पे नोट्स डिलीवर किए जाएंगे एंड जो प्लस लर्नर्स हैं उनको इन आप नोटे वो ऐप पे ही नोट्स को एक्सेस कर पाएंगे गाइस ठीक है तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हुए हमारा एक क्रैश कोर्स स्टार्ट होने वाला है 22 जून को जिसका नाम है जी रक्षक सी डी एस टू क्रैश कोर्स राइट तो आप जैसा जानते हैं कि भाई साहब सेप्टेम्बर के महीने में आपका सी का एग्जाम है फोर्थ ऑफ से राइट हो जाएंगे, अपने आने वाले एग्जाम के लिए राइट right? तो इसमें विशाल सर लेंगे, दिव्या मैम पॉलिटी लेंगी राकेश नेगी सर हिस्ट्री लेंगे मैं इंग्लिश लूंगा हिमांशु सर इकोनॉमिक्स लेंगे संदीप कुमार सर मैथ्स लेंगे एंड श्री प्रतीक सर जो है वो साइंस लेंगे राइट तो एनरोल योर इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा सीडीएस टू करंट अफेयर्स

बस सिद्धांत लाइव कोड लगाते ही आपको दस परसेंट का डिस्काउंट जो है अवेल हो जाएगा तो चलिए जी शुरू करते हैं तो एवरीवन वन सो एवर इज अटेंडिंग माय क्लास फटाफट से कर डालिए हमारी क्लास का एक प्यार आसा दुलार आसा नन्ना मुन्ना सा शगुन तो हम लोग कभी भी एक स्माइल के बिना क्लास को शुरू नहीं करते हैं तो ये हमारा उसूल है <coughs> सॉरी तो लो जी गिन के दस क्वेश्चंस करेंगे तो पहले मैं आपको बता दूंगा इस देखो एक्टिव वॉइस होती है जब आप एक्शन के डूअर होते हैं ठीक है और बच्चा लोग पैसिव वॉइस होती है जब आप एक्शन के receiver हो डूअर हो तो एक्टिव रिसीवर हो तो पैसिव राइट दिस इज द वे दिस इज दाइस और इसी तरी इसी बात को मद्देनजर रखते हुए मैं स्पॉटिंग एरर सॉल्व करूंगा जस्ट हैव अ लुक तो पहला क्वेश्चन है देखो मैं कैसे करता हूं। The officers who were on inspection, inspection, ठीक है officers जो inspection पे थे okay, in this exam center, were discovered. अगर आप लोगों ने यहां पे discovered लगाया, तो आपका मतलब है ऑफिसर्स डिस्कवर हो गए अरे भाई यहां पे उन्होंने एक्शन किया राइट ये वाला जो वर डिस्कवर्ड वाला एक्शन ये वाला एक्शन हैज बीन डन बाय ऑफिसर्स तो वॉइस क्या रहेगा गाइस एक्टिव रहेगा एक्टिव रहेगा तो वर्ड डिस्कवर्ड नहीं आएगा अकेला डिस्कवर्ड आएगा बिकॉज हमें पता है सेकंड फॉर्म से बनता है was, के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म राइट तो बहुत ही सिंपल सी चीज है कोई ज्यादा टफ तो है नहीं तो आप लोगों को बिन चीजें समझ में आ जाएंगी तो पहला क्वेश्चन हमने कर लिया बहुत ईजी था राइट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं टीचर स्टूडेंट वेदर नेम ऑफ द मैन बीन इन्वेंटेड इलेक्ट्रिसिटी तो भाई साहब इस बंदे ने इलेक्ट्रिसिटी को इन्वेंट किया है राइट यानी कि ये बंदा मेरा क्या है जी डूअर है अगर ये डूअर है तो जैसा सिद्धांत सर ने पहले बताया ये क्या रहेगी एक्टिव रहेगी राइट right? तो अगर आप देखेंगे बीन, यहां से बीन जो है कट जाएगा बीन के कारण बच्चा लोग ये जो है पैसिव वॉइस में जा रहा है तो क्लियरली इसका आंसर कौन सा पार्ट रहेगा जी डी पार्ट देखो वॉइस में अगर आप इतनी सी चीज समझ लेते हैं ना वॉइस में बच्चा लोग अगर आप इतनी सी चीज समझ लेते हैं तो डेफिनेटली आप बहुत आगे तक जाने वाले हैं राइट right? तो प्लीज बी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग दिस थिंग राइट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी सबको समझ में आ गया होगा शी हेड लगाना देखो शी ने गन को पकड़ा तो सेकेंड फॉर्म है बिल्कुल सही है एक्टिव वॉइस है तो ए पार्ट में कोई गलती नहीं है इन हर हैंड विच वॉज टोटली हाइडिंग अब देखो मुझे पता है वॉज वर के बाद वर्ब के साथ आई एन जी <coughs> वॉज वर्ग के बाद वर्ब के साथ आई एन जी अगर लगा तो ये एक्टिव वॉइस है मतलब वो एक्शन कर रहे हैं भाई गन जो है हाइड कर रही थी आहा। गन को छुपाया गया था विच वॉज हेडन मेरी बात समझ में आई गाइस है ना विच वॉज हेडन वॉज टोटली हाइडिंग नहीं टोटली totally हिडन तो आंसर क्लियरली कौन सा पार्ट रहने वाला है गाइज मेरा सी पार्ट वेरी सिंपल गाइज शाबाश वेरी गुड वेरी गुड तो एवरी वन नोज इट नाउ मतलब सबको क्लियरली ये चीज जो है समझ में आ गई होगी विच वॉज टोटली हिडन लो जी नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर आई वॉज सरप्राइज यहीं पे रुक जाओ मैं सरप्राइज हूं कि मैं सरप्राइज हो गया मैं सरप्राइज हो गया यहां पे वॉइस रहेगी पैसन ठीक है वॉज थर्ड फॉर्म तो क्लियरली हमें आंसर देना पड़ेगा सरप्राइज आंसर कौन सा पार्ट है जी ए पार्ट ओवर एंड आउट बात हो बच्चा लोग खत्म वेरी इजी ठीक है पांचवा क्वेश्चन देखते हैं गाइस पांचवा क्वेश्चन क्या फुल सॉरी थोड़ी यार खांसी वासी लग गई है हो जाएगी ठीक हैड द पुलिस नॉट रीच देयर ऑन टाइम ठीक है अगर पुलिस वहां टाइम से नहीं पहुंचती बैंक वुड हैव रॉब देखो बैंक रॉब करता की हो जाता हो जाता तो यहां पे वॉइस क्या लगानी है पैसे लगानी है ठीक है ये बनेगा वुड रॉब्ड मेरी बात समझ में आई ना बस चलो तो इस तरीके से आप चीजों को इलेबोरेट करते जाओ और आराम से चीजों को सॉल्व करते जाओ मजा आ जाएगा भाई साहब मजा आ जाएगा राइट right? लो जी सिक्स क्वेश्चन देखते हैं देखो दर सी मुझे पता यहां पे जख्मी किया नहीं। जख्मी हुआ, है। हुआ है तो भैया जी यहाँ पे कौन सा वॉयस आएगा पैसे वॉयस आएगा अकेला इंजर्ड तो गलत हो गया सोल्जर वॉज सीरियसली इंजर्ड मेरी बात समझ में आई ना बच्चा लोग सोल्जर जो था वो जख्मी हो गया उसने किया नहीं है मुझे आपने देखा होगा कि पूरा सेंटेंस पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती क्यों नहीं पड़ती भाई सब अपने को क्लियर है ये चीजें एमए क्लियर हो जाती हैं ठीक है ना तो वेरी गुड गाइस वेरी गुड और बिंदास तरीके से हम लोग जो है इस चीज को भी समझ गए क्वेश्चन नंबर सेवन करेंगे द पुलिस ऑफिसर्स सेंट द प्लेस ऑफ क्राइम लोजी भाई पुलिस ऑफिसर्स ने भेजा अब ए पुलिस ऑफिसर भेजे गए है ना द पुलिस ऑफिसर्स सेंट नहीं पुलिस ऑफिसर्स वर सेंट द तो पुलिस ऑफिसर्स वर सेंट उनको भेजा गया राइट तो क्लियरली आंसर इज योर ए पार्ट आउट गाइस ओवर and आउट लाइ राइट तो एथ देखते हैं गाइस वेन पुलिस ऑफिसर वॉज शॉर्टेड ठीक है तो भाई साहब जब पुलिस ऑफिसर को गोली मारी गई बिल्कुल सही यहां पर तो गोली लगी है उसके पैसे तो पीपल वर रन अब भाई वॉज वर वर रनिंग हेयर एंड देयर सेव दिल्वस पीपल वर रनिंग हेयर एंड देयर टू सेव दल्व तो इसी तरीके से भैया बात समझ में आएगी राइट तो आंसर इज योर बी राइट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन मदर्स लव कैनॉट कैनोट सब्स्टिट्यूटेड एंड ड अगर मैं बोलूं भाई ये तो आपको पढ़ने में भी बकवास लगेगा राइट right? ये तो भैया जी पढ़ने में ही बकबक सा लग रहा है पढ़ने में ही मेरे को यह सुंदर नहीं लग रहा राइट right? तो आप समझ सकते हैं कैनॉट बी सब्सटीट्यूटेड ओके क्वेश्चन नंबर टेन देखते वेन द रॉबर ड्रॉक इन टू द बैंक देखो जब रॉबर ब्रोक इन टू घुसा द बैंक बिल्कुल सही है ए पार्ट में कोई गलती नहीं है ए पार्ट में कोई गलती नहीं है द स्टाफ रेज एंड क्राई स्टाफ ने शोर मचा दिया बिल्कुल सही एंड द रॉबर कॉट भाई साहब भाई साहब रॉबर कॉट नहीं रॉबर वॉज कॉट राइट तो क्लियरली आंसर इज योर सी ओवर एंड आउट गाइस तो स्टूडेंट्स मुझे कमेंट सेक्शन में 10 में से आप लोगों का स्कोर चाहिए ठीक है मुझे कमेंट सेक्शन में बच्चा लोग 10 में से आप लोगों का स्कोर चाहिए जो भी आप लोगों ने स्कोर किया तो प्लीज उसको कमेंट जरूर कीजिएगा आई शुड नो आई शुड नो वेयर डू यू स्टैंड राइट तो मिलते हैं भाई साहब चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब सेशन को कर दीजिएगा लाइक like, और अगर ये पसंद आए तो ऐसे और सेशन भी ले आएंगे जस्ट लिख दिया करो, और मैं ले आता ठीक है ना, High level sporting gear भी लाने, वो कैप भी है आपको एक टॉपिक uh, भी देना है और तो मजा आ जाएगा ठीक है तो जय हिंद लोग टेक केयर ऑफ योर वंडरफुल डे बाय